रूस यूक्रेन युद्ध और पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश की भाषा से लेकर भारत से चोरी हुई मूर्तियों को देश में वापस लाने की बात की है। रूस यूक्रेन युद्ध और पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान सबसे पहले उन्होंने भारत से चोरी हुई मूर्तियों को देश में वापस लाने की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में भारत ने 200 से अधिक कीमती मूर्तियों को सफलतापूर्वक वापस लाया है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तमिलनाडु के वेल्लूर से भगवान आंजनेयर हनुमान जी की प्रतिमा चोरी हुई थी। हनुमान जी की ये मूर्ति भी 600 से 700 साल पुरानी थी। इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में हमें ये प्राप्त हो गई। इसके अलावा इस महीने की शुरुआत में भारत इटली से अपनी एक बहुमूल्य धरोहर को लाने में सफल हुआ है। ये धरोहर अवलोकितेश्वर पद्मापनी की 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी प्रतिमा है। ये मूर्ति कुछ वर्ष पहले बिहार के गया के देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे इतिहास में देश के कोने कोने में एक से बढ़कर एक मूर्तियां हमेशा बनती रहीं। इसमें श्रद्धा भी थी, सामर्थ्य भी था, कौशल भी था और विविधताओं से भरा हुआ एवं हमारे हर मूर्तियों के इतिहास में तत्कालीन समय का प्रभाव भी नजर आता है।